नमस्कार दोस्तों, शिक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2019, जिसमें यहाँ पर कांस्टेबल और एसआई की भर्ती यहाँ पर होनी है, इस पे इसके संदर्भ में कमलनाथ जी ने यहाँ पर एक अहम फैसला लिया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है वो फैसला, और सभी को यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है। जो भी यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2019 से रिलेटेड भी यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि क्या कमलनाथ ने कहा है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2019 के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं पीएबी की वेबसाइट पर, जहाँ पर हम आपको यहाँ पर जो कार्यक्रम दिया हुआ है पीएबी का, वो यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप पीएबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। इस पर आपको जाने के लिए आपको हिंदी या इंग्लिश चुनना होगा, जो भी आपको सूटेबल हो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद यदि आप इसमें प्रश्न पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो भी आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पर कार्यक्रम क्या है। दोस्तों, आपको जैसे ऊपर सबसे टॉप में दिखाई दे रहा होगा परीक्षा कार्यक्रम, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर संपूर्ण जो परीक्षा कार्यक्रम रहते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, 2019 का जो परीक्षा कार्यक्रम है, आप यहाँ पर शेड्यूल में नीचे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर 4 नंबर पर जो दिया हुआ है पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2019, स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दी है 29 जून। चलिए दोस्तों, 29 जून यहाँ पर स्टार्टिंग दी है, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, कमलनाथ ने एक यहाँ पर अहम फैसला सामने रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह फैसला है आयु से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, आयु से संबंधित जो फैसला यहाँ पर लिया गया है, जो कांस्टेबल और एसआई भर्ती भी प्रभावित इसमें होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो एज है काफ़ी कम की गई है। क्योंकि जो भी यहाँ पर देखिए, एज के बारे में बात करें, जो यहाँ पर जनरल वालों की एज पहले थी 40 वर्ष थी, तो उनकी आप घटाकर कर दी है 35 वर्ष कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जनरल वालों की एज पहले 40 वर्ष थी, अब घटकर 35 वर्ष हो गई है। वहीं बात करें यहाँ पर ओबीसी की, तो ओबीसी की जो एज थी पहले 43 वर्ष, तो अब यहाँ पर जो एज हो गई है केवल 40 वर्ष यहाँ पर ओबीसी की एज हो गई है। और वहीं एसटी और एससी की बात करें यहाँ पर, तो उनकी जो एज हुआ करती थी 45 वर्ष, तो उनकी भी यहाँ पर घटकर हो गई है 40 वर्ष यहाँ पर एज हो गई है। तो दोस्तों, कमलनाथ का है जो फैसला है, काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जिनका यहाँ पे लास्ट चांस बनने वाला है, वो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है भाई नहीं दे पाए, क्योंकि दोस्तों वहाँ उनकी यहाँ पे जो एज है भाई ओवर एज हो जाएगी। तो दोस्तों, कमलनाथ जो यहाँ पर फैसला लिया है आयु संबंधित, तो दोस्तों इसको सुधार करना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर मिलकर इसको सुधार अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कई सालों से यहाँ पर मेहनत और तैयारी कर रहे हैं, उन भाई उनका सिलेक्शन यहाँ पर रुक जाएगा भाई, आप फॉर्म यहाँ पर नहीं डाल पाएंगे। यदि ऐसा यह उम्र संबंधी जो यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं, यदि यह लागू हो गया है, तो अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो कि अब आगामी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में अपना जो एग्ज़ाम है भाई, यहाँ पर ना एग्ज़ाम दे पाएंगे, ना फॉर्म भर पाएंगे, और ना ही उनका जो पुलिस बनने का सपना है भाई यहाँ पर पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, यह जो फैसला लिया गया है, इसका सभी लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों, आशा करते हैं कमलनाथ जी हैं जो अपना यह फैसला बदल के जो आयु संबंधित फैसला है उसमें कोई सुधार करने की गुंजाइश उनके पास होगी, तो वह जरूर करेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती और मध्य प्रदेश एसआई भर्ती परीक्षा 2019 से रिलेटेड जो भी यहाँ पर न्यूज़ आएगी, हम पल पल की न्यूज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे हमारी तरफ से पल पल की अपडेट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।